जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में पहले टेस्ट मुकाबले का चौथा दिन खेला गया, उसी रोमांचक मुकाबले की हाईलाइट के बारे में। तो आप सभी हाईलाइट को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहां पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि चौथे दिन मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने साउथ अफ्रीकाई टीम के कप्तान डीन एल्गर के साथ किया तगड़ा ड्रामा। 38वें ओवर में दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई बहस। तो दोस्तों ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि चौथे दिन का मुकाबला खत्म होने तक भारतीय टीम को मिली बड़ी खुशखबरी। अब 5वें दिन भारतीय टीम को बस इतना कर ही मिल जाएगी जीत, जानने के बाद हर एक भारतीय दर्शक उठेगा खुश। तो दोस्तों ये खबर तो जान बिना आप भी कहीं भी मत जाइएगा और बने रहिएगा इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी चौथे दिन का मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर आज इस मुकाबले का चौथा दिन खेला गया। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि आज के इस मुकाबले में 130 रन की बढ़त और दूसरी पारी में 16 रन से आगे खेलने जब भारतीय टीम उतरी तो यहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाज चौथे दिन एक बड़ा लक्ष्य साउथ अफ्रीका की टीम के सामने बना ना सके। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि आज भारतीय टीम के बल्लेबाज एक एक कर अपने विकेट चटकवाते चले गए, जहां पर आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में देख सकते हो कि केएल राहुल 23 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं शार्दुल ठाकुर ने 10 रन बनाए, चितेश्वर पुजारा 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं विराट कोहली ने 18 रन की पारी खेली, अजिंक्य रहाणे 20 रन बनाकर पवेलियन गए और वहीं ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 34 रन बनाए। हालांकि दोस्तों ऋषभ पंत ने 34 रन की पारी में 6 चौके भी लगाए थे, बाकी कोई भी बल्लेबाज 20 से ज्यादा रनों का भी नहीं पाया, जिसके चलते यहां पर भारतीय टीम 174 रन ही बना सकी। और भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से दूसरी पारी में कगिसो रवाड़ा और मार्को जेनसन ने लिए। जी हां दोस्तों यहां पर कगिसो रवाड़ा ने 4 विकेट हासिल किए और वहीं मार्को जेनसन को भी 4 विकेट मिले। तो वहीं लुंगी एनगेडी 2 विकेट लेने में दूसरी पारी में कामयाब हो सके। तो वहीं दोस्तों फिर 305 रनों का लक्ष्य जब साउथ अफ्रीका की टीम को मिल गया तो मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से एडन मार्करम और डीन एल्गर, जहां पर एडन मार्करम और डीन एल्गर शुरुआती कुछ ओवरों में तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन दोस्तों यहां पर इनकी बल्लेबाजी पर विराम लगाया मोहम्मद शमी ने, जहां पर मोहम्मद शमी ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करवाई और अपने पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर एडन मार्करम को चलता किया। जी हां दोस्तों मोहम्मद शमी ने उनको बोल्ड आउट किया, जहां पर एडन मार्करम इस मुकाबले में 7 गेंदों में मात्र 1 रन ही बना सके, जैसा कि आप सभी यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। तो वहीं दोस्तों एडन मार्करम के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे कीगन पीटरसन, जहां पर कीगन पीटरसन भी कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए, वो 36 गेंदों में मात्र 17 रन ही बना सके, जहां पर उनका विकेट मोहम्मद सिराज ने ऋषभ पंत के हाथों 15वें ओवर की पहली गेंद पर कैच आउट करवा कर लिया। और ऐसे में दोस्तों यहां पर भारतीय टीम को ये 2 बड़ी सफलताएं काफी जल्दी मिल गई थी। हालांकि दोस्तों फिर किसी को क्या ही पता था कि यहां पर रासी वेंडर डुसेन और डीन एल्गर अंत तक टिककर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर डालेंगे। जी हां दोस्तों एक समय तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाज अपने चरम पर हैं और जल्द से जल्द वो विकेट लेना चाहेंगे, लेकिन दोस्तों यहां पर रासी वेंडर डुसेन काफी लंबे समय तक मैदान पर टिके रहे, जहां पर उनका बखूबी साथ निभाया डीन एल्गर ने, लेकिन यहां पर रासी वेंडर डुसेन का विकेट जसप्रीत बुमराह ने 37वें ओवर की 4थी गेंद पर चटकाया और इसी के साथ रासी वेंडर डुसेन 65 गेंदों में 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे, तो वहीं अपनी 11 रन की पारी में उन्होंने 1 चौका लगाया था। हालांकि दोस्तों वेंडर डुसेन को आउट करने के बाद मैदान पर उतरे केशव महाराज, जहां पर केशव महाराज भी कुछ ज्यादा खास कमाल कर नहीं पाए। जी हां दोस्तों जब मैच बस अंतिम समय पर चल ही रहा था और बस मात्र 5 से 6 मिनट ही मैच समाप्त होने के बचे हुए थे, तो अंत में आकर जसप्रीत बुमराह ने अपनी घातक गेंदबाजी से केशव महाराज को बोल्ड आउट कर दिया और ऐसे में दोस्तों अपनी यॉर्कर से केशव महाराज का विकेट चटकाते के साथ ही भारतीय टीम को 4 बड़ी सफलताएं चौथे दिन मिल गई। तो वहीं केशव महाराज ने इस मुकाबले में 19 गेंदों में 8 रनों की पारी खेली और वहीं दोस्तों अब चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक साउथ अफ्रीका की टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 94 रनों का है और ऐसे में अब 5वें दिन साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 211 रनों की आवश्यकता होगी। हालांकि दोस्तों यहां पर भारतीय गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने 1 विकेट अब तक लिया है और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए हैं, मोहम्मद सिराज को भी एक सफलता हासिल हुई है और वहीं शार्दुल ठाकुर और रविचंद्रन अश्विन के खाते में भी कोई भी विकेट नहीं आया है। बाकी दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस मुकाबले को 5वें दिन जीत पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय और भारतीय गेंदबाजों को आप 10 में से कितने
कितने अंक देना चाहोगे आज का प्रदर्शन देखने के बाद। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला जारी है, जहां पर पहले टेस्ट मुकाबले के 4th दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने पहले अपना दमखम दिखाया और फिर गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी कर भारतीय टीम की जीत को सुनिश्चित अब लगभग कर ही दिया है। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि पहले टेस्ट मुकाबले के 4th दिन आज भारतीय टीम के बल्लेबाज जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरे, भारतीय टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा, जहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाज एक एक करके अपने विकेट गिराते चले गए। और वहीं हम आपको बताएं कि केएल राहुल मात्र 23 रन बनाकर ही पवेलियन लौटे। तो वहीं शार्दुल ठाकुर ने 10 रन की पारी खेली, चेतेश्वर पुजारा 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे, वहीं विराट कोहली 18 रन, अजिंक्य रहाणे ने 20 रन और ऋषभ पंत ने 34 रन बनाए। और ज्यादा ताबड़तोड़ रही कि मानो साउथ अफ्रीका की टीम के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के आगे बेबस नजर आए। दरअसल यहां पर दूसरी पारी में आते से ही मोहम्मद शमी ने अपने पहले ओवर में एडन मार्करम को आउट कर दिया, जहां पर एडन मार्करम 7 गेंदों में 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो वहीं दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एडन मार्करम को शमी ने अंदर आते हुए गेंद पर बोल्ड आउट किया, जिसके चलते यहां पर पहली बड़ी सफलता भारतीय टीम को मिली। तो वहीं फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे काइगन पीटरसन, जहां पर डीन एलगर और काइगन पीटरसन के बीच में बेहतरीन साझेदारी देखने के लिए मिल रही थी। और ऐसा लग रहा था कि आज दिन का खेल खत्म होने तक ये दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों से आउट नहीं होने वाले, ने 3 चौके भी लगाए थे। हालांकि मोहम्मद सिराज ने ऋषभ पंत के हाथों उनको 15वें ओवर की पहली गेंद पर कैच आउट करवाया और इसी के साथ भारतीय टीम को दूसरी बड़ी सफलता मिली। तो वहीं दोस्तों खबर बोले जाने तक डीन एलगर और रेसिवेंडर डुशेन मैदान पर टिके हुए हैं, जहां पर ये दोनों ही बल्लेबाज अभी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द भारतीय गेंदबाज इनके विकेट चटका पाएंगे। और ये भी सभी को उम्मीद होगी कि जसप्रीत बुमराह शार्दुल ठाकुर भी अपना जल्दी से विकेट का खाता खोले। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है टेस्ट एवरेजेस के साथ भारत और साउथ अफ्रीका टीम के बीच में मुकाबलों में सबसे बेहतरीन एवरेज भुवनेश्वर कुमार का है, जहां पर उनका एवरेज 20.30 का था। हालांकि दोस्तों अब मोहम्मद शमी ने घातक गेंदबाजी करवाकर अपना स्थान इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर ला दिया है। जी हां दोस्तों, यहां पर मोहम्मद शमी 24.71 एवरेज के साथ अब भुवनेश्वर कुमार से नीचे दूसरे स्थान पर है और तीसरे नंबर पर वेंकटेश प्रसाद का नाम आता है। हालांकि दोस्तों ये रिकॉर्ड लगभग आज से 20-25 साल पुराना है और अब मोहम्मद शमी ने इस रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया। हालांकि दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद शमी भुवनेश्वर कुमार का भी ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे या फिर नहीं। आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।